कोई अलग अलग पार्टियां चले गए, 3 एमपी है कोई गुजर गई, और उन्होंने सिर्फ एक दिल्ली शहर में राज किया है, कोई अस्तित्व नहीं है। कल गुरदासपुर में रैली थी, सीएम चन्नी का हेलीकॉप्टर रोका गया है, उसको आप किस व्यू से देखते हो? स्पष्ट बीजेपी की वो बौखलाहट है। अपने सिटी जैसे दिल्ली है, वो प्रक्रिया पूरे हिंदुस्तान में लागू करना चाहे, न तो पब्लिक उनको राज में आने देगी, न उनको ऐसा करने का मौका। 700 शहीद हुए हैं, आज दीप सिद्धू रात वहाँ दिल्ली में जहाँ आंदोलन था वहाँ वो एक्सीडेंट होके उनकी मौत हो गई है। नमस्कार, इंडिया मीट टीवी में आपका स्वागत है। आज हम अबोर जो यहाँ फाजिलका के कांग्रेस पार्टी में एक राहुल गांधी के नजदीक जाने वाले रूपा राम जी, यहाँ मेघवाल जी हैं हमारे बीच, जो कि राहुल गांधी ने, इन्होंने राहुल गांधी से जो बात की है, यहाँ पर बारी लगाया, उन्होंने भरोसा किया है। राहुल गांधी की टीम के ये मेंबर हैं, उन्होंने ये जो डिस्ट्रिक्ट फाजिलका है यहाँ उनका पूरा प्रभाव भी है, क्योंकि यहाँ डोर टू डोर वर्किंग मीटिंग और यहाँ की स्थिति पूरी देख रहे हैं और रिपोर्ट राहुल गांधी तक पहुँचा रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि यह चीफ इंजीनियर भी रहे हैं और जैसलमेर से एक जनरल सीट पे बहुत बढ़त बढ़ा के ये जीती है उन्होंने। एक जनरल सीट पे एक एससी कैटेगरी का ये विधायक, वहाँ पूरे राजस्थान में मैं समझता हूँ एक ही विधायक है जिन्होंने पूरा माहौल जो कांग्रेस के हक में कर दिया। स्वागत है जी हमारे चैनल में। थैंक यू। रूपा राम जी, आप यहाँ फाजिलका में प्रभारी लगाए गए हैं, यहाँ की मजबूती और कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत है, कैसे ये हालात है इस इलाके के? फाजिलका जिले का मेरे को एआईसीसी ने प्रभारी लगाया है, और फाजिलका जिले में 4 विधानसभा है, जलालाबाद, फाजिलका, अबोर और बलवाना। यहाँ लगभग 50% से अधिक कांग्रेस के लोग हैं, और यहाँ 4 विधानसभा है, 50% से लेके और 65% तक एससी की वोट है। और कांग्रेस पार्टी ने जो एक बहुत बड़ा निर्णय किया, इस इलेक्शन से पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी को घोषित किया, उन्होंने खुद ने गरीबी देखी है। गरीब का मतलब ये नहीं होता कि वो अमीरों के खिलाफ है, लेकिन एक लोग आसमान में उड़ रहे हैं, एक कुएं के अंदर ही बैठे हैं, तो उन्होंने जो 90 दिन में काम किया, गरीबों का दिल जीता। अब गरीब सभी कम्युनिटी में थी, ऐसी में अधिक होते हैं, बाकी भी ओबीसी वगैरह में, जनरल में भी कई लोग गरीब हैं, तो आम जो गरीब लोग हैं जिनकी पॉपुलेशन इस जिले में करीब 70% है, ठीक है, उनके दिलों में कौन त्या जम गया है कि भी न तो पंजाब में बीजेपी का राज आ रहा है, ना अकाली दल का है। और जो ढकोसले जो बातें करते हैं आम आदमी पार्टी, ये 2017 में भी देख लिया कुछ नहीं, उनके जो भी 20 एमएलए आए थे, 100-100 की बातें करते थे, वही अलग अलग पार्टियां चले गए, 3 एमपी आए कोई गुजर गई, तो उन्होंने सिर्फ एक दिल्ली शहर में राज किया है, कोई अस्तित्व नहीं है। तो फाजिलका जिले में 3 सीटें तो लगभग पूर्ण तक क्लियर है कांग्रेस की, बलवाना, अबोर और फाजिलका, और आने वाले 3-4 दिन में स्थिति बनेगी, जलालाबाद में भी कड़ी टक्कर। तो ये कांग्रेस के महान नेता थे, इन्होंने यहाँ पूरा एरिया इलाका संभाल रखा। एक कल गुरदासपुर में रैली थी, सीएम चन्नी का हेलीकॉप्टर रोका गया है, उसको आप किस व्यू से देखते हो? ये क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है, कई टेक्निकल कुछ दिक्कत भी आ सकती है, हमला हो सकती है, तो परंतु जो भी अगर जो इंटेंशनली ऐसा किया गया है ना, तो सही नहीं, ठीक नहीं। एक ऐसी मुख्यमंत्री को परमिशन भी थी उनके पास, ये वीडियो वायरल हो रही है, सीएम चन्नी का बयान भी आया है, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने इजाज़त नहीं दी हेलीकॉप्टर उड़ाने की, तो वहाँ दिक्कत ये आ रही थी कि उनके वहाँ जो हेलीपैड है वो फ्री नहीं है, सिक्योरिटी है जो उन्होंने रोक के, परमिशन भी थी फिर भी रोका उन्होंने। इसमें क्या है कि जैसे केंद्र में राज भाजपा का है, और
पंजाब से उनके पैर उखड़ गए। तो आदमी जब कोई भी बौखला जाता है ना, तो फिर वो उनके काम करता है। तो ये स्पष्ट बीजेपी की बौखलाहट है। इस प्रकार से कांग्रेस की तरफ जो पंजाब का जन समूह उमड़ा है, इस प्रकार रोका नहीं जा सकता। तो दूसरी बात, ये अभी वीडियो वायरल हो रहा है, केजरीवाल ने ये कहा है पंजाब में एनसीआर आना चाहिए, एनसीआर आना चाहिए। 10 साल पुराने ट्रैक्टर किसानों के, कंबाइने किसानों की, व्हीकल यहाँ बंद कर देने चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार आएगी हम बंद कर देंगे। केजरीवाल जी को भी गांव का कल्चर क्या है, पंजाब की नींव क्या है, पंजाब के यहाँ जो जलवायु है, पानी है, खेती होती है, यहाँ का लोगों का नेचर है, तो वो दिल्ली से कंपेयर करें वो यहाँ नहीं है, यहाँ एकदम उल्टा है। भारत में विविधता में एकता है, तो इस ढंग से हर एक प्रदेश की अलग अलग है। और केजरीवाल चाहे एक ही मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे दिल्ली है, वो प्रक्रिया पूरे हिंदुस्तान में लागू करना चाहे, न तो पब्लिक उनको राज में आने देगी, न उनको ऐसा करने का मौका। तो नशे के बारे में उन्होंने बात की है कि पंजाब में बहुत नशा बढ़ गया है, गोली का, ये चिट्टा जिसको बोलते हैं वो भी नशा है, तो हमारी सरकार आएगी तो हम बॉर्डर सील कर देंगे, तो जिनकी पार जमीन है वो किसान क्या करेंगे। ये जो मैंने देखा पंजाब के इस फाजिलका ज़िले में, मैं भी गांव-गांव डाणी डाणी गया, तो जितना हम राजस्थान में सुनते थे उतनी तो नशे की प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन कुछ यंगस्टर में है। ये नशा या कोई भी कुरूति जो होती है, ये समाज में जब तक जागृति नहीं आवे, बाई फोर्स नहीं हो सकता। तो इसके लिए राज कांग्रेस का आएगा, समाज के मुखियाओं को, धर्म के मुखियाओं को, प्रशासन को, सबको साथ लेके, युवा से लेके बुजुर्गों तक, समाज सेवियों को, और साथ लेके मुहिम छेड़ेंगे, तो दुनिया के अंदर जब समाज जागृत होता है तो उसके लिए कोई असंभव नहीं है। तो इसको उस ढंग से विधिवत तरीके से नशा की जो छोटी मोटी प्रवृत्ति है आगे बढ़े नहीं और धीरे धीरे खत्म हो जाए, इसकी कार्य योजना बना के काम किया जाएगा, बाई फोर्स नहीं हो सकता। तो जो बेरोजगारी का मुद्दा है यहाँ पंजाब में, बेरोजगारी के बारे में आपने क्या सिस्टम तैयार किया है, जो आने वाले चुनाव में 2022 के 20 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें मैनोफेस्टो में बेरोजगारी पे कोई चर्चा हुई? इसमें मैंने खुद ने भी ऊपर रिपोर्ट की है, वास्तव में पंजाब में करीब करीब 50% से अधिक लोग मजदूरी पे जीते हैं, उनके पास जमीन नहीं है, उन्हें 12 ही महीने 365 दिन मजदूरी की आवश्यकता होती है। अभी मजदूरी की आवश्यकता उनकी पूर्ति नहीं होती है। पंजाब देश में सबसे अधिक प्रोडक्ट आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो इनकी 15-15, 20-20 गांवों के रूप में प्रोसेस यूनिट रखनी चाहिए, जिसमें आसपास के गांवों के 1500-2000 मजदूरों का मदद हो जाए। उसके अलावा जो सरकारी वैकेंसीज है, कुछ सरकार और जो नए आवश्यकता का आकलन करके नए वैकेंसी निकाले, तो वो सब मिला के जितने बेरोजगार है 10-15% लोगों को राज की नौकरी में खपाया जा सकता है, उसकी कार्य योजना बना के उसको जल्दी ही करेंगे, तो उतने लोग तो वैसे हो जाएंगे। और बाकी बेरोजगार अपने अपने गांव में छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहे, तो उसके लिए एक योजना लाने के लिए मैंने भी प्रस्तावित किया है कि उसको छोटा मोटा धंधा करने के लिए मान लो 3-4 लाख रुपए चाहिए, 25% उसको सब्सिडी दे दे, 1 लाख माफ कर ले, फिर उनसे ब्याज नहीं ले, और वो जैसे कमाने लगे उसे धीरे धीरे रिकवरी हो, ये किया जा सकता है। बाकी जितनी भी छोटी छोटी प्रोसेस यूनिट पूरे पंजाब राज्य में एक क्लस्टर बना के गाँव का शुरू करवाएं, ताकि आजू बाजू गाँव को मजदूरी उसे मिल सके। तो यहाँ 17 तारीख को अबोर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उसका कोई प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव में? प्रधानमंत्री जी पूरे देश के हैं और भाजपा के पुरस्कार के लिए वो अबोर आ रहे हैं, पंजाब में और जगह भी वो उनकी रैलियाँ हुई है। पंजाब में पिछली बार भी अकाली दल और भाजपा दोनों मिलके भी कोई प्रदर्शन नहीं के बराबरी कर पाई, अब दोनों अलग अलग हैं,
तो भाजपा का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। अब आने के लिए पार्टी के हेड है, आते रहे, पब्लिक भी कोई भाग। जो किसानों के 750 शहीद हुए हैं, आज एक दिन सिद्धू रात वहाँ दिल्ली में जहाँ आंदोलन था वहाँ वो एक्सीडेंट होके उनकी मौत हो गई है, उनके बारे में श्रद्धांजलि। मैं उनको दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके परिवार और उनके समर्थक है उनको इस संकट के अंदर झेलने की परमात्मा शक्ति दे, प्रार्थना करता हूँ। और ये किसानों के साथ जो किया है, ये प्रलय होने तक किसान, किसान का मतलब पूरे भारत के गांव के लोग, आज जो खेती करता है 80% लोग खेती करते हैं, कृषि निर्भर है, और बाकी वाले उनके मिलने वाले व्यवसायी वगैरह भी है, तो पूरा ही भारतवासी है ज़बरदस्त नाराज है। और आने वाले समय में अब कितने नाराज होते, एक बार जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनता है या पार्टी को राज में आती तो बीच में नहीं हटा सके, प्रोसेस नहीं है। लेकिन जैसे जैसे राज्यों के समय पूरे हो रहे हैं, इलेक्शन आएंगे 2024 में, लोकसभा के होंगे, तो ये जड़ मूल से आम जन का, पब्लिक का राज है और पब्लिक पूरी नाराज है, तो इनकी अस्तित्व नहीं रहेगा, वापिस राज में आने की ये कल्पना भी नहीं कर सकते भाजपा वाले। तो ये हमारे बीच रूपाराम जी विधायक, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, वहाँ से ये विधायक हैं, ये चीफ इंजीनियर भी रहे हैं, बहुत एजुकेशन में बहुत पढ़े लिखे हैं, और इनसे बात सचित हुई है। आप लाइव टीवी देख रहे हो इंडिया मीट टीवी, कैमरामैन के साथ अंग्रेज सिंह, जय हिंद जय भारत। इंडिया मीट टीवी की न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए लाल कलर वाले बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटे के बटन को भी दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारी न्यूज को देख पाएं।